ज मिसटेक सी फ्राम मैजिक वेंस टेरो दिस इज योर ऑक्टोबर लव एंड वर्क फोरकास्ट फॉर एरीज जी हाँ अगर आपका सनसाइन मून साइन राइजिंग साइन एरीज में है ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी एरीज को जानते हैं क्रॉस वॉच कर सकते हैं उनके लिए ये रीडिंग फ्रेंड्स आज की रीडिंग में आपकी लव लाइफ वर्क और करियर सब कुछ देखेंगे फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रखिए बाकी को जाने दीजिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें एंड चलिए देखते हैं लेट्स सी द थीम ऑफ द मंथ फॉर एवीज इंग्लिश रीडिंग्स चेक ऑन आर मेन साइड फ्रेंड्स मैजिक वेंस टेरो आई विल ट्राई टू लिंक दैम डाउन बिलो डोंट फरगेट टू चेक आउट जो अक्टूबर की विगहकार रीडिंग्स हैं वो भी देख लीजिएगा आप थीम ऑफ द मंथ ऑफ ऑक्टूबर फॉर एरीज वाउ द खोइन ऑफ वर्ड्स कम्युनिकेशन डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है कम्युनिकेशन आ रहे हैं विश इज बींग फुलफिल्ड नाइन ऑफ कप्स एरी इज द थीम ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर सिक्स ऑफ एंटिकल्स डेफिनेटली फ्रेंड्स कार्मिक मुझे लग रहा है काफ़ी सा टाइम से देखिए मैं बोल ही रही थी कार्मिक और ये कार्ड छुपा हुआ था काफ़ी टाइम से कुछ चीज आपकी लाइफ में जो है आई फील इट वॉज़ स्टक इन योर लाइफ नॉट हैपनिंग लाइक कार्मिक चैलेंजेज डेफिनेटली आप लोग उन चीज़ों से बाहर मूव uh, कर पाएंगे क्लैरिटी आपको मिलेगी शायद मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को पैसे में प्रॉब्लम है या वर्क और करियर में कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं बट इट्स नॉट मूविंग फॉर्वर्ड बट इन अक्टूबर एरीज कंग्रेचुलेशन आपकी लाइफ में बैलेंस पैसा और uh, एक फॉवर्ड प्रोग्रेस आएगी डेफिनेटली खुशियाँ भी मिलेंगी आपको समथिंग विल हैपन जो आपको काफ़ी खुशी देगा आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स क्लैरिटी आ रही है काफ़ी सारी आपकी लाइफ में मैसेजेस आ रहे हैं आपका आपका जो फ्यूचर है उसको लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी रिलेशनशिप को भी लेके आई डू फील इस मंथ एरीज आपके लिए एक्वेरियस लीब्रा है या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे जी हाँ थीम में ही एक रिलेशनशिप आई है सो डेफिनेटली दिस दिस रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपको टेस्ट कर रही है राइट नाउ बट आपको उसमें जस्टिस मिलेगा Um, चाहे वर्क की हो सकती है रिलेशनशिप या लव की येस यू आर गोइंग टू फाइंड जस्टिस इन इट डेफिनेटली फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मंथ है आई डू सी पैसे आ रहे हैं आप लोगों के लिए आई डू सी सक्सेस कमिंग योर वे मनी कमिंग योर वे एंड हैप्पीनेस चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ए रीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर द फाइव ऑफ वॉन्स द फोर ऑफ टास्क Okay, the um, eight of wands. I will keep them here aside for Aries. Their love life, the high roof, uh, the high priest. Oh, the tower in the middle of the month, the page of swords. Love life for Aries. और डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है आप एक रिलेशनशिप में हैं जो कि सही नहीं चल रही है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल, चल रहे हैं या यू आर लिटिल कन्फ्यूज़्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप एरीज़ आई डेफिनेटली फील स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा आपके लिए या तो आप कन्फ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेके या आप दोनों के जो व्यूज़ uh, हैं वो मिल नहीं रहे हैं आप अगर सिंगल भी हैं तो आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि यू नो यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद डैम आपके उनसे बन नहीं रही है अगर आप रिलेशनशिप में हैं डेफिनेटली थोड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की एनर्जी है बिकॉज़ uh, हो सकता है कि कोई और uh, बाहर से आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट कर रहा हो एरीज बट डेफिनेटली अपोज़िशन की एनर्जी है आई डो फील के आफ्टर दैट थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू एरीज आप थोड़ा दोनों रिलैक्स करेंगे और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मार्स uh, भी जो है एरीज़ में रेट्रोग्रेड है तो आई थिंक वो आपको अफेक्ट कर रहा है एरीज़ इन योर रिलेशनशिप तो आप थोड़ा सा जो है टाइम लेंगे या रिलैक्स करेंगे अपने पार्टनर से अवे बिकॉज थोड़ा यू नो काफ़ी एक दूसरे को Um, परेशान कर परेशान इन देंस के डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हो रहे हैं सो यू विल टेक सम टाइम अपार्ट कि चलिए बैठ के सोचते हैं क्या करना है नेक्स्ट आई डो फील ऐसा करने से आपके कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होंगे अगर आप किसी का वेट करें येस दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मैसेज यू एरीज कंग्रैट्स अगर आप सिंगल हैं आपको काफ़ी सारे लोग मैसेज करने वाले हैं अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो आपके कंपेटबिलिटी uh, के बट आई थिंक मिड ऑफ द मंथ यू विल फाइंड पीपल जिनसे आपकी कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है आई डू फील द हाई प्रीस्ट डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ की दिस इज़ अ कामिक और दिस इज़ अ हाई सोल मेड रिलेशनशिप ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं पर्सन आपके ये पर्सन एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाए हो सकते हैं या ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं आई डू फील ट्रेडिशंस आर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स एरीज के ट्रेडिशन में रहें या कुछ uh, यू नो वर्क है ट्रेडिशन है ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं रिलिजन कल्चर ये सब चीज़ें आपके माइंड में है रिलेशनशिप्स आपकी अफेक्ट कर रहे हैं आई डू फील हो सकता है मिड ऑफ द मंथ में कोई टावर मोमेंट आए आ, हो सकता है कि जो किस आई विल टेक अ क्लाफायर बिकॉज आई डोंट नो वाई दिस इज़ हियर आई डोट नो बट स्टिल टेक अ क्लेफायर या yeah, ये एक विश कम ट्रू मोमेंट होगा फ्रेंड्स uh, जो चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही हैं आपकी लव लाइफ़ में जिनका क्लोजर नहीं मिल पाया या जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आपकी रिलेशनशिप में उनका सोल्यूशन आपको मिड ऑफ द मंथ मिलेगा यू विल फाइंड द क्लैरिटी यू विल फ़ाइंड अ विश कम ट्रू डेफिनेटली और मुझे लग रहा है ये अनएक्सपेक्टेड होगा थोड़ा आप दोनों के लिए आप अगर मैरिड भी हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं डेफिनेटली यू विल फाइंड सम वन मिड ऑफ द मंथ एंड आई डू सी आपके पार्टनर जो हैं इस मंथ थोड़े स्निकी बिहेव कर रहे हैं दे आर वेरी काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं एरीज तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि मर्करी भी रेट्रोग्रेड है इस मंथ में अक्टूबर में सो कम्युनिकेशन ईश्यूज़ आपको अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्स आपका प्लानेट जो है एरीज वो भी रेट्रोग्रेड में है इन <laughs> एरीज ही है तो वो भी आपको अफेक्ट कर रहा है आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स सेवन ऑफ सॉस डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप काफ़ी रहेंगे मिड एंड ऑफ़ द मंथ के अंदर सो यू एंड योर पार्टनर विल हैव टू फाइंड टाइम कि आप कैसे बात यू uh, नो you know, कब मिलें कब बातें करें बिकॉज आई डू फील काफ़ी बिजी टाइम है आपका एंड ऑफ द मंथ आई ऑल्सो फील के एंड ऑफ़ द मंथ में आपकी जो रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं उनमें क्लैरिटी मिलेगी आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा और फाइनली आप फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे येस yes. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप शायद उनसे मिल पाएंगे इट यस डैट्स ऑल्सो देयर आई ऑल्सो फ़ील आप लोग आपके पार्टनर को हो सकता है न्यू जॉब मिल जाए या वो आपके क्लोज़र सिटी uh, में कहीं जॉब लें या आप दोनों सेम सिटीज़ में मूव इन करेंगे एक सॉलिड प्रपोजल डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ में आपको मिलने वाला है कमिटमेंट है मैरिज है वेडिंग है मैरिज इज़ अ बिग इशू फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या रिलीजन कल्चर यू नो ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप है वर्सेस क्या करना चाहिए आपको सो दैट इज़ हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े ट्रेडिशनल बिहेव कर रहे हैं सो दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम बट ओवरऑल एंडिंग बहुत अच्छी रहेगी मंथ की कम्युनिकेशंस काफ़ी रहेंगे चलिए एडवाइस देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ October, for your love life. वाओ क्राउन चक्रा डेफिनेटली फ्रेंड्स टेलीपैथिक communications आपको मिलने वाले हैं अपनी लव लाइफ के लिए साइंस मिलने वाले हैं अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में नो कांटेक्ट no में है, आप डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो आपसे बात करेंगे और चीज़ें ठीक होंगी मिड ऑफ द मंथ में एंड ऑफ द मंथ तक तो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगी बट आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए डेफिनेटली चेंज फोकस फाइव ऑफ काफ्स डेफिनेटली थोड़ा सा आप ना पैसिमिस्टिक हो सकते हैं uh, हो सकता है इस रीडिंग के बाद भी हो गए और थोड़ा सा कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है बट फ्रेंड्स इट इज़ जस्ट दैट मर्कड़ी रेट्रोग्रेड में काफ़ी और प्लानस भी रेट्रोग्रेड में है तो इट अफेक्ट्स uh, हमारे कम्युनिकेशन सो चेंज या फोकस डेफिनेटली पॉजिटिव सोचें जो आप सोचेंगे वही होगा क्राउन चक्रा है रीबिल्ड आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होने वाली हैं बिल्ड होने वाली हैं एंड सीक द ट्रुथ या आपकी रिलेशनशिप्स आपकी लव लाइफ में जो ट्रुथ है एक्चुअल में अबाउट अ पर्सन क्या आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो सब आपको पता लग जाएगा इन द मंथ ऑफ ऑक्टूबर वेरी पावरफुल एक्सट्रीमली पावरफुल चलिए आपकी वर्क और करियर देखते हैं और एयर इज देअ वर्क एंड करियर इन ऑक्टूबर थ्री ऑफ कप्स द एट ऑफ़ पेंटिकल्स आप बहुत बिजी रहेंगे इसमें डेफिनेटली यू विल बी एक्सट्रीमली बिज़ी आप लोग काफ़ी चीज़ें नई सीखने वाले हैं यू विल बी गेटिंग मास्टर्स डिग्री और आप लोग अप्लाई करेंगे मास्टर्स डिग्री के लिए हायर एजुकेशन के लिए आई ऑल्सो फील आप लोग जो है अपने प्लान्स ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे अपने करियर को फाइनेंसिस को लेके आप अपने प्लान्स अपने तक ही रखेंगे सोशल मीडिया भी ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे ए रीज मुझे लग रहा है आप यू विल फोकस ऑन योर वर्क ऑन योर करियर नॉट फो बॉदरिंग टू मच आई ऑल्सो फील आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं इस मंथ बहुत ज़्यादा बिज़ी आप लोगों को परफेक्शन चाहिए मुझे लग रहा है सारी रात सारा दिन आप काम करेंगे यू वॉन्ट परफेक्शन और डेफिनेटली मनी की प्रॉब्लम है तो मनी आ रही है फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी मनी को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं कुछ लोग डेफिनेटली बट आई थिंक फ्रेंड्स आप इतना स्ट्रेस ना लें बिकॉज़ दिस मंथ फोकस ऑन लर्निंग सम थिंग बिकमिंग एक उस पर यू नो मास्ट्री अचीव करने पर फोकस करें पैसे अपने आप आ रहे हैं मुझे डेफिनेटली आई कैन सी मनी कमिंग इन योर फ्यूचर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सो डोंट वरी आई थिंक काफ़ी सारे पेमेंट ड्यू हैं या यू नो काफ़ी सारी मनी एक साथ आएगी आपके लिए मंथ एंड में या मिड ऑफ द मंथ में सेलिब्रेशन भी आने वाले हैं कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है या न्यू जॉब मिल सकता है या आपको कोई अच्छे कलीग्स वगैरह मिलेंगे जिनके साथ आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा वर्क में आई ऑल्सो फील के <clears throat> अगर आप बिज़नेस में हैं सो so डेफिनेटली आपको लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करें या आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करें तो आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली आई सी दैट पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वर्क में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई डू सी के कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आप लोगों के लिए या यू you नो know, कोई बिज़नेस अलायंस है Uh, कोई अगर आप एग्ज़ाम्स भी देंगे तो आप उसमें काफ़ी अच्छे यू नो यू विल पास आउट वेल इन इट सेलिब्रेशन आपको मिलेंगे बट uh, ये जब ही होगा अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है रातों रात रातों रातों पढ़ाई की है डेफ़िनेटली विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एंड आई डू सी के आपको कोई यू uh, नो you know, कोई बिजनेस अलायंस या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स एरीज आर ऑफ कप्स या किसी आप uh, कोई लेटर uh, या कोई यू you नो know, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं दैट्स दैट्स गोइंग टू कम फॉर यू या फाइव ऑफ कप्स सी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप किसी इंफॉर्मेशन का अगर आप स्टूडेंट हैं या आप लोग वर्क uh, में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस से है या अभी तक आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है या वो चीज़ अच्छे से नहीं हुई है वर्क करियर एजुकेशन में यू विल फाइंड इट इन द मंथ ऑफ़ ऑक्टोबर फ्रेंड्स सो कंग्रेचुलेशन्स पैसे आ रहे हैं डोंट वरी सो मच अबाउट मनी चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ए रीज़ ड्रीम्स कमिंग ट्रू कॉम्पटिशन बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स येस आई डो फ़ील आपको ऐसा लग रहा है कि लेथो ला तो लाइफ बहुत अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इट इज़ नेवर टू इन बिटवीन में कुछ नहीं हो रहा फ्रेंड्स ऐसा नहीं है आई डो फील अगर आप थोड़ा सा बैलेंस में आप तो रहना ज़रूरी है आपको इस मंथ क्योंकि आपकी विशेज़ जो है वो पूरी होने वाली हैं मेरा यू सी मेराकल्स आर हैपनिंग फॉर यू सो स्टे पॉजिटिव अगर स्पेशली वर्क और करियर को लेके कर का अपना काम करते रहिए और ज़्यादा मुझे लग रहा है अपने शेयर नहीं करें प्लान्स क्योंकि वहाँ से कंपटीशन आ रहा है आपको सैडनेस एंड आइसोलेशन आप ज़रूर इस चीज़ से थ्री ऑफ स्वाट से बाहर आने वाले आप वर्क को लेके काफ़ी परेशान हैं फ्रेंड्स स्पेशली मनी को लेके वो ठीक हो जाएगी डेफिनेटली सी इट इज़ गोइंग टू बी या सी अगेन द क्राउन चक्रा हैज़ कम आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना चाहिए शुड लिसन आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है और उसको यूज़ करें आ, आ, कुछ नया भी आप जो सीखेंगे इस मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा लेट्स सी योर एक्स्ट्रा एडवाइस फॉर एरीज ओ ओ बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं आपके लिए Uh, let's let's take them all. Tree affairs with your family. जी हाँ आप लोग अपनी family के साथ काफ़ी time spend करेंगे और family में कोई issues हैं तो वो भी resolve हो जाएंगे Veg, someone is trying to come between you and a friend और समथिंग यू डज मुझे ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है कि आपके और आपके किसी गोल के बीच में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं ऐसा नहीं है आप उन्हें ओवरकम कर लेंगे इस मंथ मैरिज यस मैरिज इज़ एन इशू सम ऑफ़ यू मुझे लग रहा है आपको मैरिज प्रपोजल्स मिलेंगे इस मंथ हो सकता है पर उनको आपको पसंद नहीं आए वो या आपके किसी पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट पे बातें होने वाली हैं डेफिनेटली हो सकता है मंथ एंड में कमिटमेंट ही मिल जाए क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है या आप किसी वेडिंग में जाएंगे स्टेपिंग इन टू अव एक्सपीरियंस लेग या काफ़ी नई चीज़ें भी होंगी इस मंथ और करनी भी चाहिए आपको सम वन विल गॉसिप ऑल योर सीक्रेट्स या वर्क में या एनर्जी है फ्रेंड्स इसलिए स्टे केयरफुल अपने प्लान्स आप ज़्यादा ना बताएं स्टूडेंट हैं तो भी वर्क बिजनेस में हैं तो भी बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है स्टार गारंटीड सक्सेस येस आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा माउंटेन रोड यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस हैपीनेस इज कमिंग फॉर यू फेबररी इज इम्पॉर्टेंट कोई फेबररी बॉर्न हो सकता है या फेबररी से आप कुछ मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ अब होगी आपके लिए यूनिकॉर्न यूज़ योर इंट्यूशन अगेन इंट्यूशन का कार्ड आया है फ्रेंड्स इंट्यूशन इंट्यूशन तीन बार यूज़ योर इंट्यूशन फ़्रेंड्स ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा आपका जो दिल, दिल दिमाग कह रहा है उसको ज़रूर सुनिए और करिए सो so, अभी के लिए तो इतना है मैजिक वेंसटेरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो फ्रेंड्स जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम बाय अ पर्सनल रीडिंग ऑन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैजिक वेंस स्टेरो डॉट कॉम दिस इज मिस्टिक सी सिंग बाय